गाइस, आपका हमारे YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। तो देखिए, पहले भी मैंने कुछ इन्हीं पेड़ों में से वीडियोस बनाई थी और आपको दिखाया था। और ये जितने भी पेड़ लगे हुए हैं, ये बिल्कुल ऑक्सीजन के पेड़ हैं। और अभी फ़िलहाल देखिए, ये धूप के अंदर रखे हुए हैं और बहुत सारे पेड़ हैं तरह तरह के। तो ये सारा कुछ मैं आपको सारा कुछ रिव्यू इन पेड़ों का देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, ये जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं, जैसे मैं इन पेड़ पौधों की बात करता हूँ, तो ये इनका जो साइज है अभी बहुत छोटा है। ये पूरे ऑक्सीजन के पेड़ हैं। इन दो पेड़ों की बात करता हूँ तो ये भी देखिए, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और देखिए, इन पेड़ों का एक फ़ायदा क्या होता है, देखिए, एक तो आप अपने रूम के अंदर लगाते हैं तो पूरा जो आपका रूम है या आपका ऑफिस है पूरा फ्रेग्रेंट रहता है, मतलब एक नेचुरल खुशबू रहती है। अगर मान के चलो थोड़ी हुमस या ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिफिकेशन अगर रूम के अंदर है या फिर आपके ऑफिस के अंदर है, तो देखिए वो पूरा का पूरा ये जो पौधे लगे हुए हैं ये पूरा उस चीज़ को फ्रेश करते हैं। एक अंदर आप जैसे इन पौधों को लगाएंगे तो एक आपकी जो नज़र है हमेशा ग्रीनरी पर रहती है, तो देखिए आपकी आँखों को भी थोड़ा इनसे आराम मिलता है। दूसरी बात क्या है कि पूरे रूम के अंदर बहुत ही अच्छी एक जो एयर होती है उसको सर्कुलेट करके ये फिल्टर करते रहते हैं, तो इन पौधों का बहुत ही अच्छा काम है। ये पौधे आप अपने रूम में लगा सकते हैं, आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, या फिर आप अपने जहाँ पे आप सोते हैं तो वहाँ पे भी इन पौधों को आराम से लगा सकते हैं। और देखिए, अभी तो ये धूप में रखे हुए हैं, ये छाया के पौधे हैं, यानी कि अभी जैसे लगाए हैं तो फिलहाल अभी इनको धूप में रख दिया है कुछ टाइम के लिए। जैसे ये पौधा दिख रहा है आपको, तो इनको धूप में इसलिए रखा है ताकि थोड़ा सा इनको धूप मिल जाए, क्योंकि अभी लगाए हैं नए, क्योंकि जब भी कोई नया पौधा लगाया जाता है तो उसको धूप में रखना ठीक रहता है। और जब थोड़ा सा ये इनकी जो जड़ है वो मिट्टी को पकड़ जाएगी, जैसे इस पौधे की भी बात करता हूँ, तो देखिए अभी इसके अंदर सिर्फ तना है, ना ही किसी तरह के कोई पत्ते हैं। और इन पौधों की बात करूँ तो देखिए कितने अच्छे, कितने प्यारे लग रहे हैं। और अगर इसकी बात करता हूँ तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक अमेजिंग सा पौधा है। अगर इसके पत्तों को आप तोड़ के आग के ऊपर भी जलाते हैं तो इसमें जो आवाज़ है वो ऐसे आती है जैसे पटाखों में आवाज़ आती है। और अगर मैं इस वाले पौधे की बात करता हूँ तो देखिए, ये पौधा भी आप ऑफिस में लगा सकते हैं, या फिर आपका कोई अच्छा सा घर है तो मतलब घर के सामने, घर के आंगन में बिल्कुल फ्रंट पे भी इन पौधों को लगाया जा सकता है। तो देखिए, ये सभी पौधे बहुत ही अच्छे होते हैं, तरह तरह के पौधे होते हैं। और इनका देखिए, कुछ पौधों का मेरे को नाम भी नहीं पता है, अगर आपको इन पौधों का नाम पता है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और इन पौधों की बात करते हैं तो देखिए, पूरा का पूरा आपका रूम भी फ्रेश रहता है, और आपका कोई ऑफिस वगैरह है तो वो भी पूरा का पूरा फ्रेश रहता है। तो ये इस तरह के जो पौधे हैं आप अपने बिल्कुल अपने रूम के अंदर लगाइए, घर के अंदर लगाइए, छत के ऊपर लगाइए, और एक अपना एक छोटा सा जैसे ये एक गार्डन बनाए हुए है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी ये यहाँ पे धूप के लिए रखे हुए हैं, बाद में इनको अंदर प्लेस कर दिया जाएगा अच्छी सी जगह पे घर के अंदर, रूम के अंदर। और देखिए, पूरा का पूरा डेकोरेशन भी इनसे आती है, अगर मान के चलो नकली पौधे लगाते हैं तो वो इतना डेकोरेट नहीं कर पाते हैं आपके घर को। और अगर आप नेचुरल पौधे लगाते हैं तो आपके घर के अंदर की जो शान होती है, जो रौनक होती है, वो भी काफ़ी अच्छी और खूब सुंदर आपका घर भी दिखने लगता है। तो इसी तरह से आप अपने घर के अंदर पौधे लगाइए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी तरह से नए नए पौधों की, नए नए पेड़ों की वीडियो लाते रहेंगे, और उनको कैसे लगाना है, कैसे ग्रो करना है, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। और अगर आपको इनमें से किसी पौधे के बारे में पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको इनसे रिलेटेड कि ये होते कैसे, इनको कैसे ग्रो किया जाए, इसकी जो मिट्टी होती है उसके अंदर क्या मिलाया जाए, तो वो सारा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, तो हम आपका सारा कुछ इन पौधों के बारे में उगाने के लिए हेल्प करेंगे। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।